यस हेलो स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब लोग? ग्रेट एवरीवन। ओके, सो जैसे कि हमने चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया है अबाउट सब्सिडरी बुक, ओके। और सब्सिडरी बुक के सारे थ्योरेटिकल कंसेप्ट को सिखाने के बाद उसका पहला प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हम लोगों ने पिछले वीडियो में सॉल्व किया है। नाउ वी आर ऑन द क्वेश्चन नंबर 2। जैसे कि देख सकते हैं कि बोर्ड पे क्वेश्चन नंबर 2 के सारे कॉलम्स वगैरह मैंने रेडी कर लिए हैं। आई होप सो आपके भी कॉलम रेडी होंगे, और अगर नहीं है तो वीडियो को पॉज करके पहले कॉलम रेडी कर लीजिए, देन हम लोग इसको साथ में सॉल्व करेंगे। ओके, जब हम साथ में सॉल्व करेंगे तो आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है वो काफी बेटर हो जाएगी जब आप इंडिविजुअली करते हो तभी। ओके, तो क्या करते हैं, पहले आप मेरे एक बार साथ में सॉल्व करने का, और सॉल्व करने के बाद आप उसको दोबारा खुद के मन से सॉल्व करने का। तो एवरी क्वेश्चन जब आप 2 टाइम सॉल्व अगर करते हो तो वो क्वेश्चन कंप्लीटली आपके माइंड में कंप्लीटली पूरी तरह से बैठ जाता है, और आपको फिर लेकर के डाउट्स वगैरह आने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं, और आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो इस चैप्टर में बढ़ जाएगा। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2, जैसे कि यहां पर अपने को क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे, प्रिपेयर 2 कॉलम्स। एवरीबडी कम ऑन द पेज नंबर 172, चैप्टर नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 2, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन यहां पे दिया गया है, प्रिपेयर 2 कॉलम कैश बुक फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन फॉर द ईयर जुलाई 2018। ओके, तो जुलाई 2018, तो डेट में हम लोग यहां पर पहले लिख लेंगे मंथ और ईयर, सो दैट अपने को बार बार मंथ और ईयर लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। जुलाई 2018, ओके, जुलाई 2018 में यहां पर कुछ ट्रांजेक्शन आपको दिए गए हैं, और ये सारे ट्रांजेक्शन हमें यहां पर कैश बुक में रिकॉर्ड करना है। और याद रहे, ये सिंपल कैश बुक नहीं है, ये कैश बुक विथ 2 कॉलम्स है। एक कॉलम आपका है कैश का कॉलम, और दूसरा कॉलम है आपका बैंक कॉलम। ये डेबिट साइड हुआ, और राइट हैंड साइड आपका क्रेडिट साइड में यहां पर कैश का कॉलम और यहां पर बैंक का कॉलम। याद रहे, जो ट्रांजेक्शन कैश से रिलेटेड है उन्हें कैश के कॉलम में हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, और जो ट्रांजेक्शन बैंक से रिलेटेड है उन्हें बैंक के कॉलम में रिकॉर्ड किया जाएगा। ओके, चलिए शुरू करते हैं यहां पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। तो सबसे पहले यहां पर 1 जुलाई को आप देख सकते हैं दिया है कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। अभी कैश इन हैंड और कैश एट बैंक का मतलब क्या होता है? जैसे कि अपना ये मंथ है 1 जुलाई, जुलाई का मंथ है, तो जुलाई मंथ की शुरुआत में, जुलाई मंथ की स्टार्टिंग में हमारे हाथ में कितना कैश है और हमारे बैंक में कितना कैश का बैलेंस है। तो ये एक इंफॉर्मेशन है कि आपके हैंड इन कैश इतना है और आपके बैंक में कैश इतना है, क्योंकि आपको शुरुआत में ओपनिंग बैलेंस क्या है ये पता होना चाहिए, जिससे कि आप पहले से ही कितना कैश आपके पास पड़ा हुआ है और कितना बैंक बैलेंस आपके पास पड़ा हुआ है उसको प्रॉपरली रिकॉर्ड कर सके, और इसके बाद में सारे ट्रांजेक्शन्स को आप यहां पर रिकॉर्ड करेंगे 1 बाय 1 करके। तो पहले हम लोग कैश और बैंक का जो ओपनिंग बैलेंस दिया है उस ओपनिंग बैलेंस को यहां पर रिकॉर्ड कर लेते हैं। अब जैसे कि कैश बैलेंस या बैंक बैलेंस, ये दोनों भी हमारे बिजनेस का असेट होता है, और मैंने आपको पहले भी बताया है कि असेट ऑलवेज शोज डेबिट बैलेंस। ऑलवेज रिमेंबर स्टूडेंट, अगर आप किसी चीज को असेट कह रहे हैं, कैश बैलेंस बैंक बैलेंस आपके बिजनेस की प्रॉपर्टी है, आपके बिजनेस का असेट है, तो असेट ऑलवेज शोज अ डेबिट बैलेंस। ओके, तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे, डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे कैश और बैंक के ओपनिंग बैलेंस को। तो यहां पर हम रिकॉर्ड करते हैं 1 जुलाई को, टू मेरे साथ में लिखिए बच्चों, बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये आपके कैश और बैंक के ओपनिंग बैलेंस को लिखने का तरीका है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। टू क्यों? क्योंकि हम डेबिट साइड में रिकॉर्ड कर रहे हैं। बैलेंस ब्रॉट डाउन का मतलब होता है ओपनिंग बैलेंस रिकॉर्ड करना, और जब समझो हमें कैरिड डाउन लिखना पड़ेगा तो समझने का हम लोग क्लोजिंग बैलेंस लिख रहे हैं। बट जैसे कि कैश बुक की यहां पर शुरुआत हुई है, तो शुरुआत में जो बैलेंस होता है उसे हम कहते हैं ओपनिंग बैलेंस, और कैश और बैंक बैलेंस हमारे बिजनेस का असेट है, तो असेट ऑलवेज शोज डेबिट बैलेंस, दैट्स व्हाई वी नीड टू रिकॉर्ड द ओपनिंग बैलेंस ऑन द डेबिट साइड। ओके, तो अभी कैश इन हैंड हमारे पास कितना है स्टूडेंट, 17,500 हमारे पास कैश इन हैंड है, और हमारा बैंक बैलेंस है 5,000। तो कैश के कॉलम में 17,500 और बैंक के कॉलम में 5,000, दिस विल बी आवर ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड एंड बैंक बैलेंस। ओके एवरीवन, चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 जुलाई को परचेज द गुड्स फॉर कैश। याद रहे कि डेबिट साइड आपकी रिसिप्ट साइड होती है, किसी भी कारण से पैसा जब आपके पास आता है तो इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन रिसिप्ट साइड,
और ऑफ एनी रीजन व्हेन पेमेंट गोज फ्रॉम यू, जब पैसा हमारे पास से जाता है तो दैट विल बी रिकॉर्डेड ऑन द पेमेंट साइड। ओके, तो आते समय रिसीप्ट साइड और पैसा जाते समय पेमेंट साइड में रिकॉर्ड किया जाता है। अब यहां पर 3 तारीख को लिखा है परचेज गुड्स फॉर कैश, हमने गुड्स खरीदा है कैश में, हमने गुड्स परचेस किया है कैश बेसिस पे। अभी आप जब परचेस करोगे, खरीदोगे, तो आपके पास से पैसे जाएंगे और जाएंगे तो वी विल रिकॉर्ड ऑन द पेमेंट साइड। ओके, तो 3 जुलाई को हमने परचेस किया है, पेमेंट किया है बाई परचेज। मेरे साथ में लिखेंगे आप लोग बच्चों, बाई परचेज अकाउंट। अब जैसा कि परचेज हमने किया है कैश में, तो हम उसको कैश के कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे एंड द अमाउंट इज 3000। पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा, बहुत पढ़ा पढ़ा के इतना आपके माइंड में सब चीजों को मुझे सेट कर देना है कि जिससे कि किसी प्रकार का कोई भी डाउट आपको ना आए। करेक्ट है? यस। तो परचेस किया मतलब खर्च किया, तो पेमेंट साइड में परचेस को रिकॉर्ड कर दिया जाएगा। 5 तारीख को रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम अरुण, हमें 5 तारीख को अरुण के पास से चेक रिसीव्ड हुआ है। ओके एवरीवन, चलिए तो अरुण के पास से चेक हमको रिसीव्ड हो रहा है, मतलब रिसीप्ट साइड में लिखेंगे और 5 तारीख को रिसीव्ड हो रहा है। अब यहां पर कौन से टाइप का चेक रिसीव हुआ है वो नहीं दिया गया है। सो व्हेन द टाइप्स ऑफ चेक इज नॉट गिवन, इन दैट केसेस वी विल एज्यूम कि ये क्रॉस चेक होगा। अगर कौन से टाइप का चेक है वो मेंशन नहीं है, तो आप यहां पर एज्यूम करेंगे कि ये हमारा क्रॉस चेक होगा। तो हमें चेक रिसीव्ड हुआ है, तो 5 जुलाई को हम लोग चेक रिसीव्ड कर रहे हैं अरुण के पास से, तो हम लिखेंगे रिसीप्ट साइड में टू अरुण। ओके, सो टू अरुण अकाउंट। और जैसे कि हमें चेक की प्राप्ति हुई है, तो चेक का पेमेंट जो है वो हमेशा बैंक में डिपॉजिट किया जाता है। सो चेक इज रिलेटेड विद द बैंक, सो वी हैव टू रिकॉर्ड इन द बैंक कॉलम ओनली। क्लियर एवरीवन? ओके, चलिए 8 जुलाई को सोल्ड गुड्स फॉर कैश, हमने गुड्स बेचा है कैश के लिए। अगर आप गुड्स बेचोगे तो कैश हमारे पास आएगा, आएगा मतलब कहां पर, रिसीप्ट साइड में। तो 8 तारीख को हम यहां पे लिखेंगे टू सेल्स। ओके, और कितने का सेल्स हमने किया स्टूडेंट्स, हमने 8000 का गुड्स बेचा है कैश में, वो भी इसलिए कैश के कॉलम में रिकॉर्ड किया जाएगा। राइट, चलिए नेक्स्ट वन। 10 तारीख को अरुण चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक, आपने देखो 5 तारीख को अरुण से चेक रिसीव किया था और उस चेक को आपने अभी लिखा है बैंक में डिपॉजिट किया, बट जैसे ही हमें चेक मिला था हमने ऑलरेडी उसको बैंक में डिपॉजिट कर लिया है, तो उसको दोबारा डिपॉजिट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, अदरवाइज डबल एंट्री हो जाएगी जिसका कोई रीजन नहीं निकलेगा। इससे बेटर है कि आपने जब चेक रिसीव किया था तो ऑलरेडी वो बैंक में एंटर हो चुका है, तो दोबारा एंटर करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इसको हम लोग एक इंफॉर्मेशन की तरह ट्रीट करेंगे। दैट्स इट। ओके, नेक्स्ट वन। 12 जुलाई को परचेज द गुड्स एंड पेड बाय चेक, याद रहे गुड्स आपने खरीदा है और चेक से पेमेंट किया है, चेक से पैसे दिए हैं, तो पेमेंट साइड में यहां पर हम लिखेंगे द डेट इज गिवन 12, कि हमने परचेज किया मतलब खर्च किया, सो बाय परचेज। अब जैसे कि आप यहां पर देख रहे हैं कि पिछला परचेज हमने कैश के बेसिस पे किया था तो कैश के कॉलम में रिकॉर्ड हुआ, लेकिन अब ये परचेज हम लोग चेक के बेसिस पे कर रहे हैं तो इसे हम बैंक के कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे एंड द अमाउंट ऑफ चेक इज 20,000। तो 20,000 का चेक दे करके हमने गुड्स परचेस किया, पेमेंट किया, दैट्स वाई उसको पेमेंट साइड में रिकॉर्ड किया गया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। 15 को लिखा है पेड किया आपने एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस थ्रू बैंक, कितना क्लियर लिखा है बच्चों, बस आपको देखना है और उसको अपने कॉलम में फिट करना है, दैट्स इट। तो एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस आप पेड कर रहे हो, किसी भी प्रकार का खर्चा अगर आप पेड करोगे तो वो हमेशा पेमेंट साइड में रिकॉर्ड होगा। अभी ये एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस का मतलब क्या, आपके बिजनेस की स्थापना से रिलेटेड या फिर किसी भी नए प्रोजेक्ट के एस्टैब्लिशमेंट से रिलेटेड कोई एक्सपेंसेस अगर आपके बिजनेस ने किया है तो दैट विल बी कॉल्ड एज एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस, और एक्सपेंसेस है पेमेंट करना होगा, सो पेमेंट साइड में हम इसकी एंट्री करेंगे। यस, तो डेट इज गिवन 15 जुलाई, वी विल राइट हियर बाय एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस। ओके, बाय एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट। राइट, तो ये एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस यहां पर कंप्लीट हुआ एंड द अमाउंट ऑफ एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस 1000 और बैंक से पेड हुआ है, सो वी विल राइट इन द बैंक कॉलम ओनली। राइट, चलिए नेक्स्ट वन। 18 को लिखा है कैश में हमने सेल्स किया, कैश पे आपने सामान बेचा, बेचोगे तो पैसा आएगा, तो 18 को लिखेंगे हम लोग टू सेल्स, और कैश में बेचा है तो वी विल राइट इन द अमाउंट इन द कैश कॉलम ओनली एंड द अमाउंट इज 7000। ओके, नेक्स्ट वन।
20 को डिपॉजिटेड इनटू बैंक। याद रहे बच्चों, जब भी आप बैंक में कैश डिपॉजिट करोगे या जब भी कैश बैंक से विड्रॉ करोगे, वहां पर हमें कॉन्ट्रा एंट्री कहनी पड़ती है, क्योंकि यहां पर जब कैश को बैंक में डिपॉजिट किया जाता है या कैश को बैंक से निकाला जाता है, इन दोनों केसेस में क्या होता है, कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट दोनों भी अफेक्ट होता है। याद रहे, फॉर एग्जांपल अगर मैं समझो कैश बैंक में डिपॉजिट कर रहा हूं, जरा इमेजिन कीजिए कि मैं पैसे बैंक में डिपॉजिट करने जा रहा हूं, सो बैंक इज द रिसीवर, तो मैं कहूंगा बैंक इज द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, सो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा और मेरे पास से कैश जाएगा। करेक्ट है? तो आप देख सकते हैं कि कैश के डिपॉजिटिंग के वक्त यहां पर बैंक अकाउंट भी अफेक्ट हुआ है, कैश अकाउंट भी अफेक्ट हुआ है। सो इन दैट केसेस वी नीड टू पास द एंट्री इन बोथ द कॉलम्स। ओके, बैंक में भी रिकॉर्ड होगा और कैश में भी रिकॉर्ड होगा, क्योंकि बैंक को जब हम पैसे डिपॉजिट करते हैं तो बैंक उसको रिसिप्ट करती है, तो बैंक के रिसिप्ट साइड में हम यहां पे आएंगे और लिखेंगे टू कैश अकाउंट। ओके, और ये पैसे कहां पर रिसिप्ट हो रहे हैं, बैंक में रिसिप्ट हो रहे हैं। कितने रिसिप्ट हो रहे हैं, 10,000 रिसिप्ट हो रहे हैं, तो बैंक में 10,000 का कैश रिसिप्ट हुआ। करेक्ट है? अब वही कैश जो बैंक में रिसिप्ट हो रहा है वो हमारे पास से कैश में से क्या हो रहा है, जा रहा है। जैसे बैंक में हमने टू कैश लिखा, वैसे ही कैश में हम लोग क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, बाय बैंक, जैसे कि हम लोग लेजर में लिखते थे। तो यहां पर पेमेंट साइड में लिखेंगे कि पैसा हमारे पास से कहां गया, बैंक में गया, कैश हमारे पास से गया, तो कैश के कॉलम में आएगा 10,000। क्लियर है? और डेट आपको दी गई है यहां पर 20th जुलाई की, 20 जुलाई। अब जैसे कि ये कैश और ये बैंक वाली एंट्री एक दूसरे से रिलेटेड है, तो इसको हम लोग रिलेट करने के लिए, एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, यहां पर LF के कॉलम में C लिख करके सर्कल कर दें, यहां पर भी C लिख के सर्कल कर दें, मतलब ये दोनों एंट्री कॉन्ट्रा एंट्री है, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है? कैश डिपॉजिट करेंगे तो हमारे पास से कैश जाएगा और वही कैश बैंक में आएगा। ओके, तो कैश के कॉलम से पेमेंट हुआ और बैंक के कॉलम में रिसिप्ट हुआ, ऐसे आपको याद रखना है। क्लियर एवरीवन? चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 को लिखा है पेड जनरल एक्सपेंसेस। पेड बोला तो पेमेंट साइड में जाता है नजर हमारा, तो बाय जनरल एक्सपेंसेस अकाउंट। ओके, अब यहां पर पेमेंट हुआ है, ऑफकोर्स यहां पर नॉर्मली हमें कैश में लिखना पड़ेगा क्योंकि चेक वगैरह ऐसा कुछ मेंशन किया गया नहीं है। नेक्स्ट 27 को रिसीव्ड कमीशन बाय क्रॉस चेक। कितना क्लियर दिया है कि कमीशन अपने को क्रॉस चेक से रिसीव्ड हुआ है, तो 27 को हम यहां पे लिखेंगे टू कमीशन। ओके, टू कमीशन, और अपने को चेक से मिला है तो वी विल राइट इन द बैंक कॉलम कितना, 6,000। राइट एवरीवन? ठीक है। आफ्टर दैट 29 को हमने रेंट पेड किया तो पैसे हमारे पास से गए, तो 29 को हमने रेंट पेड किया, वी विल राइट बाय रेंट अकाउंट। ओके, और यहां पर रेंट सिर्फ पेड लिखा है, मतलब कैश कॉलम से पैसे निकलेंगे। ओके, अगर हमने रेंट पेड चेक से किया होता तो बैंक के कॉलम में आते, बट सिर्फ रेंट पेड किया है तो उसको नॉर्मली कैश एज्यूम किया जाता है। विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज, आपने अपने पर्सनल यूज के लिए कैश विड्रॉ किया। अब देखो, विड्रॉ कहां से किया वो नहीं बताया गया आपको, विड्रॉ आपने कहां से किया दैट इज नॉट क्लियर हेयर। तो इन दैट केसेस हम लोग एज्यूम करेंगे कि जो कैश विड्रॉ हुआ है वो आपके कैश कॉलम से ही हुआ है। अगर ऐसा लिखता कि विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, तो उस केसेस में हम लोग बैंक कॉलम में जाते, बट यहां पर सिर्फ कहा गया है विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज, सो इन दैट केसेस वी विल रिकॉर्ड एंट्री इन द कैश कॉलम ओनली। तो हम लोग विड्रॉ कर रहे हैं, मतलब पैसा जा रहा है, तो पेमेंट साइड में लिखेंगे बाय ड्रॉइंग। Why drawing? क्योंकि पर्सनल यूज है, पर्सनल यूज जहां पर भी दिखे आपके मुंह में तुरंत वो वर्ड आना चाहिए, that is called as a drawing, okay? And the word is 1200 अमाउंट है आपके कैश कॉलम से विड्रॉ हो रहा है। 31 को लिखा है वेजेस आपने पेड किया, पैसे गए बाय वेजेस। ओके, द अमाउंट इज 6,000, वेजेस पेड हुए हैं कैश कॉलम से। क्लियर एवरीवन? चलिए, तो इस तरीके से सारे एंट्री को हमने यहां पर कंप्लीटली रिकॉर्ड कर लिया है। समझ में आपको आई इधर तक? ठीक है, तो आपके रिसिप्ट साइड
और आपके पेमेंट साइड के सारे अमाउंट्स यहाँ पे रिकॉर्ड हो चुके हैं। सारे ट्रांजेक्शन को जहां पर जिसकी जगह थी वहां पर हमने प्रॉपरली रिकॉर्ड कर लिया है। अब हमारा काम है कैशबुक को क्लोज करना और क्लोज करके ये पता करना कि हमारे कैश इन हैंड में कितना बैलेंस है और हमारे बैंक बैलेंस में कितना पैसा बचा हुआ है, वो हमें यहां पर पता करना है। तो उसके लिए हम इसे क्लोज करेंगे। क्लोज करने के लिए इस तरह से कैश और बैंक के कॉलम में क्लोजिंग के कॉलम ड्रॉ करते हैं इस तरीके से, ओके, ऑन द सेम लाइन। आइए देखते हैं हमारे पास कितना कैश आया, फिर हमारे पास से कितना कैश गया, फिर कितना बचा वो हमें पता चल जाएगा, राइट है, ओके। तो हमारे पास कैश आया देखिए कैसे कैसे, 17,500 और ये 8 करेंगे तो 25,500 हो जाएगा, राइट है, और ये 32,500 हमारे पास कैश टोटल आया है, 32,500 क्योंकि डेबिट साइड ज्यादा है, और यहां पर भी सेम लिखेंगे 32,500 क्योंकि डेबिट साइड ज्यादा है। जो साइड ज्यादा है उसके अमाउंट को बोथ द कॉलम में लिखेंगे। अभी 32,500 में से ये सब अमाउंट हमको लेस करना है, लेकिन इनको लेस करने के पहले इनको पहले टोटल तो मारना पड़ेगा। अभी 10 और 3 कितना 13, 15, 16, 16 और 6 कितना 22, 22,500 एंड 22,700। तो यहां पर 32,500 में से हम लोग लेस करेंगे 20 कितना 13, 15, 16, ठीक है, यस 22,700 यहां से लेस किया जाएगा, ओके, 9,800 विल बी द बैलेंस इन कैश इन हैंड। 9,800 बैलेंस बचेगा कैश इन हैंड में, और उसी तरह बैंक का कॉलम भी यहां पे लिख लेंगे हम लोग बाई बैलेंस कैरिड डाउन। याद रहे मैं क्लोजिंग बैलेंस के समय क्या लिख रहा हूं, कैरिड डाउन, ओपनिंग बैलेंस के समय मैंने क्या लिखा था, ब्रॉड डाउन, ओके, और महीने की आखिरी तारीख होगी 31st वाली, ठीक है। चलिए ये वक्त आपका हो गया कैश का बैलेंस रेडी, मतलब इतना बैलेंस आपके कैश इन हैंड में है। तो 32,500 में से आपने सारे पेमेंट लेस किए, सारा पेमेंट लेस करने के बाद ये पैसा आपके पास क्या बचा, बैलेंस बचा। आइए बैंक कॉलम में देखते हैं हम लोग, 5, 10, 15, 15, 10, 25, 25 and 6, 31 और ये हो जाएगा 21। तो 31,000 बैंक में टोटल रिसिप्ट हुआ है और 31,000 में से 21,000 का बैंक में पेमेंट हुआ है, तो बैलेंस यहां पर बचेगा 10,000। तो ये बैंक का बैलेंस आपको मिला, राइट है। तो इतना पैसा आपके कैश बैलेंस में है और इतना पैसा आपके बैंक में है, ये अपने को पता कब चला, जब हमने कैश बुक यहां पर प्रिपेयर किया, करेक्ट है। जैसे कि कैश बुक है सब्सिडियरी बुक का पार्ट है, इसलिए इसको जर्नल भी कहेंगे, और जैसे कि इसको क्लोज करने के बाद हमें क्लोजिंग बैलेंस का पता चल जाता है, इसलिए हम इसे लेजर भी कहेंगे, ओके। तो जर्नल कहने के पीछे रीजंस क्या था, सब्सिडियरी बुक का पार्ट, और लेजर कहने के पीछे का रीजन है बिकॉज इट हेल्प अस टू नो द क्लोजिंग बैलेंस, एंड लेजर इज ऑलवेज हेल्प अस टू नो द इंडिविजुअल बैलेंसेस ऑफ ईच एंड एवरी अकाउंट, ओके। तो यहां पर कैश का इंडिविजुअल बैलेंस कितना है, बैंक का इंडिविजुअल बैलेंस कितना है, हमें यहां पर पता चल गया। तो यहां पर हम इसे लेजर कहने में भी कोई गलती नहीं है, करेक्ट है। तो नाउ इट इज कंप्लीटेड। तो क्वेश्चन नंबर 2 का कैश बुक का पूरा प्रॉब्लम यहां पर सॉल्व हो चुका है। आई होप आपको कंप्लीटली समझ में आया होगा। आप इसका खुद से भी रिवीजन कर सकते हैं इसको और भी बेस्ट वे में समझने के लिए, ओके। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक फटाक से इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसका रिवीजन कर लीजिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ओके एवरीवन। सो बाय, टेक केयर, जय हिंद।